सर, हम जिस तेज़ी से हमने पिछले 10 सालों में अपने ऊपर कर्जा चढ़ाया है, ये कभी मिसाल ही नहीं मिलती है पाकिस्तान के 70-71 साल की हिस्ट्री में। 2007 तक, यानी 1947 से लेकर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 2007 तक, यानी 60 ईयर्स में हमने जो टोटल कर्ज़ा एक्यूबुलेट किया था, बैरूनी कर्ज़ा, वो 40 अरब डॉलर था। और 2008 से लेकर 2018, ये 10 साल है, इस 10 साल में हमने कोई 55 बिलियन डॉलर नेट ऐड किए हैं 10 साल में। सिर्फ 60 साल में 40 बिलियन और 10 साल में 55 बिलियन डॉलर। और अगर मैं रिजीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो पिछली हुकूमत ने कोई 21 बिलियन ऐड किए थे और इन्होंने कोई 35 बिलियन ऐड कर दिए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलसिला रहा है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अपनी डिस्कशन बढ़ाने के लिए इंटरप्ट करूँगा। यह आप बात दुरुस्त की कि तरक्याती कामों के नाम पर पैसे का बड़ा बेदरेख जो है इस्तेमाल किया गया। इन तमाम मुश्किल के बावजूद डॉक्टर प्रोफेसर अशफाक साहब, पाकिस्तान को क्या इस वक्त कुछ इक्तसादी मौाक़े और आगे बढ़ने के रास्ते नज़र आ रहे हैं? सर, रास्ते बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं। इस वक्त जो सख्त और इमीडिएट ज़रूरत है वो है कि हमारे पास, इस नई हुकूमत के पास, एक इकोनॉमिक टीम हो। लफ्ज़ में बार बार टीम पे जोर दे रहा हूँ। अब तक हमारे सामने असद उमर साहब आए हैं जो बहुत अच्छे हैं। उन्हें पाकिस्तान के इस वक्त माशी चैलेंजेस जो हैं इनका, उनको बिल्कुल पता है। उन्हें लोग जानते हैं पाकिस्तान में, ख़ासकर हमारा प्राइवेट सेक्टर जानता है। लेकिन सर, जो हमारे चैलेंजेस हैं, एक असद उमर से काम नहीं चलेगा। इस हुकूमत को चाहिए कि ऐसे 5-6 लोग हों इस हुकूमत में मौजूद जो असद उमर को असिस्ट करें, उसको हेल्प करें। वो अच्छे लोग चुन के ये लगाएंगे, असद उमर कामयाब होगा, ये हुकूमत कामयाब होगी, इमरान खान साहब कामयाब होंगे, फिर दुनिया इन्हें याद रखेगी, उन 5-6 लोगों को याद। थोड़ा सा बहस को आगे बढ़ाते हुए, और आपकी अपने इंटरेस्ट में है कि अपने, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। सारी दुनिया में ऐसे ही इकोनॉमिक एडवाइजर टीमें बनती हैं, इकोनॉमिक ज़ार होता है और वो लोग मिलकर मुख्तलिफ मईशत के पहियों को चलाते हैं।